हेलो गाइस, सो हमने कल 14 क्वेश्चन तक हमने कल क्वेश्चन अटेंड किए थे CDP पेपर 2019। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। सो अलर्ट टू नो, अलर्ट टू डिस्कस, लेट स्टार्ट। 15 क्वेश्चन है, व्हेन चाइल्ड हैव पॉजिटिव बिलीफ अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटी द स्टूडेंट्स। तो इसमें लिखा है कि व्हेन टीचर हैव पॉजिटिव बिलीफ अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज द स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। सेकेंड ऑप्शन है बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट टू लर्न। थर्ड ऑप्शन है बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड। फोर्थ ऑप्शन है आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे। सो अगर पॉजिटिव बिहेवियर होगा टीचर्स का बच्चों के रिगार्डिंग, तो बच्चे कैसा फील करेंगे? दे आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। ठीक है, हमारे इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते 16 क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रंस एरर, अगर बच्चे गलती करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर। सेकंड ऑप्शन है शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस। थर्ड ऑप्शन है आर द पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन एन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। फोर्थ ऑप्शन है आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर देखिए आप बच्चे गलती करते हैं या कोई भी गलती करता है, तो एक लर्निंग का पार्ट है एक गलती है। लर्निंग से मतलब गलतियों से हम सीखते हैं, तो इसमें होगा थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा आर द पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। अगर आप सोचिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हो उसमें आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो आपको एक नया वे मिलता है कुछ उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते 17 क्वेश्चन की तरफ। असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी। जो असेसमेंट होता है उसको हम एक अलग ही एक्टिविटी या अलग ही उसका एक कॉर्नर में उसको ले जाए। ठीक है, सेकंड है शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन हमारे पास शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स। फोर्थ ऑप्शन है शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिटर्न टास्क। तो आप बताइए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। असेसमेंट should be the part of teaching learning process। ठीक है, हम टीचिंग करा रहे हैं, तो हमें बच्चों को ये नहीं कि हम एक पेन पेपर बेस्ड भी बच्चों को असेसमेंट कर लेंगे कि एक टेस्ट जो हमने जो बच्चे ने अच्छा स्कोर किया वो सबसे अच्छा है, और जो जिसने थोड़ा लो स्कोर किया वो अच्छा नहीं है। ये असेसमेंट का बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। हमें थ्रू आउट द ईयर हमें बच्चों को असेस करता रहना चाहिए। ठीक है, शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स ये तो नहीं होगा। शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इसका हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते 18 क्वेश्चन पे। इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है रचनावाद, उसमें क्या है? एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एंड फोर्थ है द चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किसको फॉलो करता है बताइए? एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, जैसे जिन प्याजेट ने कहा कि बच्चा एक रेडिकल कंस्ट्रक्टर होता है, वो अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टिव, जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। ठीक है, अब बढ़ते 19 क्वेश्चन पे। व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट्स। कौन से सिद्धांत नीचे जो नीचे लिखी हुई है सामग्री इसको दर्शाते हैं? स्टूडेंट्स डू नॉट परफॉर्म वेल, फील दैट दे आर नॉट गुड एनफ एंड फील डिमोटिवेटेड। दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजली विदाउट ट्राइंग एंड प्रसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसमें लिखा है कि जो विद्यार्थी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो वो एक डिमोटिवेटेड फील करते और गिव अप कर देते कि हमें ये नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन में आप बताइए थोड़ा आंसर सही। अच्छा क्वेश्चन है, अब मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। एंड सेकंड ऑप्शन है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड। थर्ड है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल। फोर्थ ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर रिलेटेड। ठीक है, जब बच्चा एक मतलब उसका दिमाग और उसके जो कॉग्निशन और इमोशंस है ना, वो सेपरेबल नहीं है। जो उसने उसको इमोशनली फील हुआ, वही उसको मेंटली जाके अफेक्ट करेगा। उसे लगा कि मुझसे नहीं होगा, उसके इमोशन भी उसी तरह रिएक्ट करने लगे। ठीक है, इसका ऑप्शन है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है 20 20 को पढ़ता हूँ। ए टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, एक टीचर बच्चों को एक कैसे वो कर सकता है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन द टेक्स्ट बुक। सेकेंड ऑप्शन है गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सेकेंड है एम्फसाइजिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेक्स्ट बुक। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेज एंड लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, जो हम अगर बच्चों को हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, उसको एक अच्छा उसको क्रिएटिव बच्चा बनाना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो अब देखो इसमें लिखा है कि गिविंग अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये सही हो सकता था, लेकिन इन्होंने बोला है कि सिमिलर काइंड ऑफ मतलब एक कन्वर्जेंट थिंकिंग कर दी इन्होंने बच्चे की। ठीक है, आप इधर ही फोर्थ ऑप्शन को देखिए एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस, मतलब उसको डाइवर्जेंट अलग अलग दिशाओं में सोचने के लिए कहा है इन्होंने। ठीक है, मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल आंसर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा कि बच्चा एक अलग अलग दिशाओं में सोचेगा। ठीक है, उसको ये नहीं कि एक जो बुक में क्वेश्चन है या प्रैक्टिस करा दिए एक तरह के क्वेश्चन, उसके उसका उस प्रॉब्लम सॉल्वर से कोई लेना देना नहीं है। 21st का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यूज मेथड वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ जब हम बच्चों के आइडियाज़ को उनकी वैल्यू देते हैं या अगर बच्चा कोई एफर्ट लगा रहा है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो किस तरह का टीचिंग मेथड है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेकेंड है डिडक्टिव मेथड, थर्ड है लर्नर सेंटर्ड मेथड, इसको हम थर्ड वाले को चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड एक ही बात है। फोर्थ है ट्रेडिशनल मेथड। तो आप इसमें देखिए जब हम बच्चे को बीच में रखते हैं और हम उसको फोकस करते हैं, ठीक है, वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ठीक है, तो हम इस पे लगाएंगे थर्ड ऑप्शन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। अब बढ़ते हम 22 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, इंटेलिजेंस जो है कि जब हम कन्वर्जेंटली सोचते हैं कि हमें एक आंसर करना है। अच्छा, चार ऑप्शन दिए गए, हमें एक को चूज करना है, हम कन्वर्जेंटली सोचेंगे उसमें। ठीक है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस है लेकिन कन्वर्जेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। थर्ड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट्स दैट इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटी सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। फोर्थ है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्व सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। हमारा इंटेलिजेंस है कि हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से टैकल करें, हम मतलब एक मल्टीपल वे में सोचें। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ सही। बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, जब बच्चा छोटा सा मतलब बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो उसको सबसे पहले कौन सोशलाइज करता है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट और मीडिया। आप इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे, तो इसमें फैमिली सबसे पहले बच्चे को सोशलाइज करती है। ठीक है, कोई बड़ा आया को इसको ग्रीट करो, वो सब फैमिली सिखाती है ना। अब पढ़ते हम 24th क्वेश्चन पे। द मेजर प्रीपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट थ्योरी दैट, जो जीन पियाजे थे उनकी थ्योरी का एक अच्छा स्टेटमेंट क्या था इसने पूछा है। फर्स्ट है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इन्फीरियर टू अडल्ट, जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो बड़ों से कम होती है, छोटी होती है, निम्न होती है। ठीक है, सेकेंड है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट, जो बच्चे हैं वो अडल्ट से अच्छा सोचते हैं। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। ठीक है, एंड मतलब अलग अलग क्वांटिटी में सोचते हैं। चिल्ड्रंस थिंकिंग क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। ठीक है, तो आप इसका मुझे आंसर दे दीजिए 24th का। चिल्ड्रन, अब इसका आंसर 4 है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें लिखा है कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर, बड़े लोग कुछ अलग तरीके सोच सकते हैं, उनका एक कॉग्निशन डेवलपमेंट हाई है, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी इतनी अमाउंट में सोचते हैं कि अगर आपने मान लो कि आपने अगर हम इसको मेजर कर पाते हैं, आपने 10 kg सोचा है तो 10 kg बच्चे सोचेंगे, लेकिन आपकी क्वालिटी अलग होगी, बच्चों की क्वालिटी अलग होगी। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया जीन पियाजेट ने कि
बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना बड़े सोचते हैं, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो थोड़ा कम सोच पाएंगे, थोड़ा कम लेवल का सोच पाएंगे, आप उस सॉल्यूशन को ज़्यादा अच्छे से बेटर कर पाएंगे बड़े लोग। तो जेंडर इज एन, जेंडर क्या है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, साइकोलॉजिकल एंटिटी, थर्ड है सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। आप बताइए जेंडर क्या है। यहाँ पे जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट, यह सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं 26th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज दैट ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या आता है हमारे पास, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, फिर आता है हमारे पास कॉग्निशन डेवलपमेंट, फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास उन्होंने फोर ब्रॉडली जो हम जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो पूछे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है। सोशल और इमोशनल, सोशल से हमारा लैंग्वेज भी जुड़ा है। सेकंड है इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ, ये तो हमारे सोशल में आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। फोर्थ है फिजिकल, सोशल एंड पर्सनैलिटी एंड सेल्फ। अगर आपने फोर चार सोशल जो पढ़े होंगे, ये डेवलपमेंट की डोमेन्स, ये है सोशल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल, ठीक है। अब बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। बच्चों के जो अधिगम है, लर्निंग है, और उनके जो उस लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल टू लर्न। सारे चिल्ड्रन इंटरनली पहले से मोटिवेटेड होते हैं और उनमें कैपेबिलिटी होती है लर्न करने की, ठीक है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं साथ साथ में, जिसको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है। सेकंड, चिल्ड्रन्स मोटिवेटेड टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी इज लर्न, कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय ओनली हेरिडिटी। ऐसा है कि हेरिडिटी से ही लर्न करने की एबिलिटी आती है, कि जिसका कोई पेरेंट है वो ज़्यादा एक, अगर मान लो उसका आई क्यू 140 प्लस था, कि उसके बच्चे का 140 प्लस होगा, ऐसे तो नहीं होता। इन्वायरमेंट भी मैटर करता है, ठीक है। और हर बच्चे में कैपेबिलिटी होती है कि वो सीख पाए, अलग अलग तरीके से सीख पाएगा, लेकिन सीख पाएगा सब में। थर्ड है चिल्ड्रंस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन इन लर्निंग कैपेबिलिटी, ठीक है। फोर्थ है चिल्ड्रन हैव टू बी रिवार्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, कि बच्चे को रिवार्ड किया जाए या उसको पनिश किया जाए उसको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। आप इसमें सबसे सही आंसर बताइए। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल टू लर्न, इसमें लिखा है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सक्षम होते हैं। यही आंसर थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, कि सब बच्चे, सबकी कैपेबिलिटी होती है। कि अगर आप देखिए, अगर कोई फिजिकल या इम्पेयर्ड है, उसको हम ऑडियो विजुअल थोड़ा जो एड्स है उसको यूज करके सिखा सकते हैं, तो उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, सबके बराबर है, उसमें सीखने की कैपेबिलिटी है, तो सब में सीखने की कैपेबिलिटी है। अब हम पढ़ते हैं 28th क्वेश्चन पे, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन सीन एज, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है हम बच्चों को किस तरह देखेंगे। मिनीचर एडल्ट्स, कि जो एडल्ट है उनका मिनीचर है, कि हमें इनको एडल्ट जैसा बनाना है, ठीक है। पैसिव इमिटेटर, एक्टिव एक्सप्लोरर एंड ब्लैंक स्टेट, तो आप बताइए इसमें आप बच्चों को, जब अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो आप बच्चों को क्या समझेंगे। एक एक्टिव एक्सप्लोरर, ठीक है, ये बच्चे एक्टिव है, वो खुद से मतलब एक्टिव रहेंगे, खुद से सीखेंगे, खुद की नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, टीचर बस एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 29th क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज, अब लेव वाइगोत्स्की है, इन्होंने लर्निंग को एक कहा है कि सोशल एक्टिविटी है, सेकंड में सोशल इंडिविजुअल एक्टिविटी है, थर्ड है इसका पैसिव एक्टिविटी है, फोर्थ है एक कंडीशनड एक्टिविटीज़। जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा, लेव वाइगोत्स्की किया, इन्होंने ज़्यादातर सोशल, एक सोशल इंट्रैक्शन या हमारे इन्वायरमेंट पर फोकस किया है, उन्होंने कहा कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। अब 30 क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आज के लिए लास्ट होगा। 30 क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज एज द चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसमें सर्कुलर रिलेशंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिफर्ड इमिटेशन, और फोर्थ
इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है ना उसमें बच्चों को इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती। अगर आपने एक ये बना लीजिए, ये आपके पास टब है और ये आपके पास ग्लास है, ठीक है, आपने इसमें 200 ml आपने इसमें पानी डाल दिया, तो अगर आप इसमें डालोगे तो यहाँ तक आएगा, ग्लास में डालोगे तो यहाँ तक आएगा, बच्चे को लगेगा कि ये ज़्यादा है, ये ग्लास वाला ज़्यादा है और टब वाला कम है, ठीक है, उसमें थॉट की इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। तो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें तो बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती थॉट की, ठीक है, वो ज़्यादा को ज़्यादा समझे, मतलब जो जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको ज़्यादा समझ लेंगे, जिसकी हाइट कम है उसको नहीं समझेंगे वो, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।